डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ शलाका देश पांडे। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हमने रिवर्स बायस पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था कि पीएन जंक्शन रिवर्स बायस कैसे होता है, उसके कनेक्शंस कैसे होते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिवर्स ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन और डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा पीएन जंक्शन है वो किससे बनता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ज्वाइन करने से बनता है। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद कनेक्शन कैसे होते हैं, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, वो पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है। अभी आज का टॉपिक है रिवर्स ब्रेकडाउन इन पीएन जंक्शन, कि पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स ब्रेकडाउन कैसे होता है। देखो, अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो जब भी हम रिवर्स बायस कम या फिर ज्यादा, वो वोल्टेज जो है रिवर्स बायस का अगर हम कम करते हैं या ज्यादा करते हैं उससे रिवर्स सैचुरेशन करंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिपेंडेंट नहीं है वोल्टेज के वैल्यू पे, वो फ्लो होता है, कम भी नहीं होता ज्यादा भी नहीं होता वोल्टेज वेरी करने की वजह से। ओके, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले के जो रिवर्स बायस है अगर उसकी वैल्यू हमने बहुत ज्यादा कर दी तो लिमिट, एक पर्टिकुलर लिमिट होता है उसके बियॉन्ड अगर उसकी वैल्यू चली गई, यानी जो रिवर्स बायस वोल्टेज है उसकी वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो गई तो इस केस में क्या होता है, करंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ओके, तो हम सपोज रिवर्स बायस की वैल्यू बढ़ा रहे, इनिशियली करंट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर हमने रिवर्स बायस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी, लिमिट क्रॉस हो गया, तो धीरे धीरे रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बढ़ने लगेगा। और ऐसा वोल्टेज जहां पे रिवर्स सैचुरेशन की करंट वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, अगर हमने वोल्टेज बढ़ाया तो वो जो वोल्टेज है उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। द वोल्टेज एट विच द जंक्शन ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज अ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हम उसे कहते हैं, ऐसा रिवर्स वोल्टेज जिसमें करंट का वैल्यू बढ़ने लगता है उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो अभी ये जो ब्रेकडाउन होता है जंक्शन में दो तरीके से होता है, मतलब जंक्शन में जब भी बहुत ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, उस करंट की वैल्यू, ये दो प्रोसेसेस की वजह से होता है। जो ब्रेकडाउन है वो दो प्रोसेसेस की वजह से होता है, आइदर इट कैन बी अ ज़ीनर ब्रेकडाउन और इट कैन बी एवलेंच ब्रेकडाउन। अब ये ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या है, सपोज एक पीएन जंक्शन डायोड है उसका डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर की डोपिंग ज्यादा है, मतलब क्या, डिप्लीशन लेयर में इम्प्यूरिटी ज्यादा है तो उसका लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, डिप्लीशन लेयर का लेंथ कम हो गया है, अभी हमने ऐसे पीएन जंक्शन को रिवर्स वोल्टेज लगा दिया ऐसे, और हमने उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी रिवर्स वोल्टेज की, तो क्या होगा, जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन को, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जंक्शन के यहाँ पे, यानी जो मिडल पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वोल्टेज लगाने के बाद। तो जैसे ये फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी जो कोवलेंट बॉन्ड्स है वो ब्रेक होने लगेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर जो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो ब्रेक होने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से, और वो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एटम फ्री होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में बढ़ जाएगा, उसकी गिनती होगी। तो जो एटम है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट को बढ़ा रहा है, मतलब जो बॉन्डिंग ब्रेक करने की वजह से जो एटम्स फ्री हो रहे हैं क्रिस्टल में वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट को बढ़ा रहे हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट। ओके, क्लियर, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट इज एवलेंच ब्रेकडाउन। अभी एवलेंच ब्रेकडाउन या फिर एवलेंच मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, देखो जब हम रिवर्स वोल्टेज बहुत बढ़ा देते हैं, अप्लाई करते हैं रिवर्स बायस को वोल्टेज और वो वोल्टेज का वैल्यू जब हम बहुत बढ़ा देते हैं
तो बहुत सारा एनर्जी हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के एटम्स को मिलता है। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, उनको वो एनर्जी मिल जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है, ठीक है। तो अभी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो रहे जंक्शन के थ्रू, तो जैसे जैसे ये फ्लो होते हैं वो दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे। जब दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे खुद की एनर्जी वो दूसरे एटम में ट्रांसफर कर देंगे, और उसकी वजह से जो दूसरे एटम्स है उनका बॉन्डिंग ब्रेक होगा और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और जो जिनका बॉन्डिंग अभी अभी ब्रेक हुआ है वो वोल्टेज से एनर्जी लेंगे जो हमने अप्लाई किया है, और वो भी रैंडमली मूव करेंगे और दूसरे एटम्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और वहां पे भी कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, एवलेंच मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सपोज पहले 5 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे, एनर्जी ट्रांसफर की वजह से 10 हो गए, फिर 15 हो गए, धीरे धीरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? कोलिजन की वजह से, एटम्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और उसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस इज एवलेंच मल्टीप्लीकेशन और एवलेंच ब्रेकडाउन। अभी हमारा डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस का देखते हैं। देखो ये जो हमारा पीएन जंक्शन है इसको कैपेसिटर के साथ कंपेयर किया है, जो पी टाइप रीजन है और एन टाइप रीजन है जिसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है उसको प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर से कंपेयर किया गया है। और बीच में का ये जो डिप्लीशन लेयर आप देख रहे हो, ये मिडल पोर्शन है, इसको हमने कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक के साथ कंपेयर किया है, ओके। तो अभी देखो ये बात समझो कि जो मिडल पोर्शन है डिप्लीशन लेयर, ये किसका लेयर है? पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस का लेयर बनता है डिप्लीशन लेयर, ठीक है, क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं। ये जो बीच में का पोर्शन है डिप्लीशन लेयर, इसे स्पेस चार्ज रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो डिप्लीशन लेयर है वो एक डाइलेक्ट्रिक की तरह एक्ट करता है, कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और ये डिप्लीशन लेयर ये नॉन कंडक्टिव है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जो मिडल पोर्शन है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है अनबायस्ड कंडीशन में, तो इसलिए वो डाइलेक्ट्रिक के साथ कंपेयर किया गया है क्योंकि वो नॉन कंडक्टिव है, ओके। और ये इनका रेजिस्टेंस कम है पी और एन टाइप रीजन का, तो ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। जो डिप्लीशन लेयर है अगर उसकी विड्थ बड़ी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ कब बढ़ती है, जब हम रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं। अगर हमने रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ जाता है तो कैपेसिटेंस कम होता है। तो जैसे जैसे हम रिवर्स बायस को बढ़ा रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर करंट आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज वो भी बढ़ने लगेगा, तो कैसे होगा करंट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर का लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे कैपेसिटेंस का वैल्यू भी कम हो रहा है, ठीक है। सो दिस मिडल पोर्शन इज अ डिप्लीशन लेयर और स्पेस चार्ज रीजन विच एक्ट एज अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ पीएन जंक्शन डिप्लीशन लेयर कैपेसिटेंस, ओके, क्लियर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Bye-bye.